हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मंगलवार है एंड अभी सुबह के इट्स अराउंड 8:15। मैं जैसे बोल रही थी ना, आई एम ट्राइंग कि मैं अभी जल्दी उठूँ एंड आई विल गो बैक टू दैट रूटीन, क्योंकि हॉलीडे इज़ ओवर। बहुत हॉलीडे हो गया यार ये 2020 में। 2020 मैं लेट मी क्लोज दिस वन। आप लोग बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि पायल तुम जो ऐसा ओपन रखती हो, तो सी यहाँ पे और एक नेट भी है। सी आप लोग बहुत जन बोलते हैं कि पायल तुम एक्सरसाइज करती हो फिर तुम्हारा वेट क्यों नहीं कमती होता है। तो मैंने बहुत बार बोला है ना कि मेरा मेटाबॉलिक रेट इज़ वेरी बैड। तो मुझे ऐसा अगर आपको चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो जाऊँ तो लाइक मुझे ट्रिमेंडस एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड लाइक लॉट ऑफ डाइट करना पड़ेगा। तो मैंने हर वक्त लाइफ में एक ही फंडा लिया है कि मुझे हेल्दी रहना है, लाइक आई शुड नॉट हैव एनी डिजीज एंड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड मैं टच वुड आई डोंट हैव एनी डिजीज। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ को PCOD का प्रॉब्लम रहता है, फिर थायरॉयड इज़ वेरी कॉमन, फिर डायबिटिक, फिर यू नो प्रेशर हो जाता है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक ये सब कुछ भी नहीं है मुझ में, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड हाँ, चलिए लेट्स गो अब, क्योंकि पूजा देना है मुझे एंड मुझे मिल गया है पान एंड मंगलवार को आई डू ए स्पेशल पूजा एंड उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाऊँगी। बट थैंक्स गॉड ये ट्रेडमिल हम लोगों ने फेंका नहीं ये ट्रेडमिल एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि फेंकने का, पर यहाँ पे ना फेंकने का बहुत प्रॉब्लम है। हैव टू कॉल समवन, वो लोग आएंगे एंड देन दे विल चार्ज मनी ऑल्सो इसको लेके जाने के लिए। तो ये सोच के ना कभी और हुआ ही नहीं, बट सी इट वॉज गुड। नाउ दिस ट्रेडमिल वी आर यूजिंग सो मच, क्योंकि राय भी करती है। तो चलिए लेट्स गो अप नाउ। एंड ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, कॉर्नफ्लेक्स। मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ विद सम बनाना। तो आज सुबह उठ के मैंने अपने लिए बहुत सारा काम कर लिया, स्पेशली डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाता है, एक घंटा चला जाता है। एंड फिर नहा लिया है, पूजा दे दिया है, तो लाइक ऐसा लग रहा है कि वाह मेरा तो बहुत सारा खुद के लिए काम खत्म हो गया है। यू नो डेली सुबह उठ के कभी नहीं होता है, बिकॉज सब लोग जब घर में रहते हैं ना, हम लोग को ऐसा लगता है ना, नहीं नहीं चलो पहले ब्रेकफास्ट दे देते हैं सबको। पर अभी यू नो ब्रेकफास्ट में हम लोग सीरियल्स ही खाते हैं एंड सीरियल डिस्पेंसर भी राय को जो चाहिए वहाँ पे है। एंड मेरे हर वक्त बोलते कि नहीं तुम उठ के यू डू योर ओन वर्क, तुम ऐसा इतना ज़्यादा मत सोचो, सीरियल्स लेना है सब लोग लेके खाएंगे। एंड ऐसे भी बच्चों लोग को थोड़ा इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है कहीं पे भी हो तो। तो राय जैसे खुद उठ के शी टेक्स हर सीरियल्स, फिर वो जूस लेके वो खा लेती है। तो मुझे लगा कि चलो सुबह सुबह बाकी के जो रिमेनिंग पियोनीज है लेट मी ब्रिंग देम। लास्ट सेट ऑफ पियोनीज, क्योंकि बाकी और जो है इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग। एंड ये मैं जैसे बोल रही हूँ ना, ये फ्लावर्स ना बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर इफ आई कंटिन्यू माय व्लॉगिंग देन यू विल सी इट। मुझे लगा लास्ट है, मैं डाइनिंग टेबल पे भी रख देती हूँ। एंड अभी मैं बनाऊंगी खाना। एंड हाँ, ये लाइक ये बहुत जल्दी इसका ये फ्लावर मुरझा जाता है ना, तो मेरा पूरा किचन का हालत भी ख़राब कर दिया। अभी मुझे झाड़ू मारना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग जो सी ऐसा लग रहा है मेरे स्वागत में किसी ने फूल बिछा दिया होगा। तो मुझे अभी झाड़ू मारना पड़ेगा। एंड हाँ वेट, मैं ये ट्राईपॉड लगा रही हूँ। या एंड हाँ, आप सब ने मैगी मसाला का इतना सारा तारीफ किया है, मुझे तो लगा था कि मैगी मसाला कोई भी नहीं खाता है, पर आप सब ने ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू रोड की पायल इट इज़ वेरी टेस्टी। तो मैं सोच रही हूँ आज
मैं पनीर का कुछ बनाऊंगी, वेयर आई विल ऐड द मैगी मसाला, एंड देखते हैं आप सबका रिव्यू कैसा लगा मुझे. तो वही मैं थोड़ा झाड़ू दे देती हूँ एंड लेट मी स्टार्ट कुकिंग. एंड जो लोग ऐसा ठंडी जगह पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि हम लोग सब लोग ना वेट करते हैं कि कब गर्मी स्टार्ट हो, कब गर्मी स्टार्ट हो. एंड टिल नाउ नो इट्स वेरी प्लेजेंट, आप बाहर जाके बहुत घूम सकते हैं. एंड हर साल इस समय दिस वॉज माई प्राइम टाइम जहाँ पे मैं गार्डनिंग का लाइक भूत सवार होके अभी लगता है खत्म होने के स्टेज पे था. पर देन ऑल्सो आई हैड टू गो टू होम डिपो गेट सम प्लांट्स, फिर सामने में मैं हैंगिंग फ्लावर्स लगाती थी जो सबसे पहले मेरा ही मर जाता था. पर देन ऑल्सो यू नो बहुत सारे चीज था विच यूज टू कीप मी हैप्पी एंड मैं एंगेज रहती थी वो सब चीज़ में. फिर राय का वेकेशन स्टार्ट होगा लाइक हो जाएगा नेक्स्ट वीक से. तो यू नो समर वेकेशन जब स्टार्ट होता था कहीं पर हम लोग हॉलीडे जाते थे एंड फिर था कि हाँ समर में इंडिया जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग एवरी ईयर ही इंडिया जाते थे वेकेशन के टाइम में. मैं कुछ मेरा काजल फील फैल गया. तो चलिए खाना बनाते हैं, ये सब तो चलता ही रहेगा, दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. बट अजीब है ना, इस बार हम सबका ही लाइफ ऑलमोस्ट सेम चल रहा है एंड वी ऑल हैव द सेम प्रॉब्लम. ये सेम काटना तो ईजी है पर मेन प्रॉब्लम होता है वो जैसे मैं दिखा रही थी ना, वो साइड के उसको क्या बोलेंगे वैसे टेल को निकालना. एंड उसको निकालना है ना बेस्ट इज विथ पिलर, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद सेम खा रही थी ना, मैं भूल गई थी कि पिलर से निकालने में बहुत ईजी होता है. एंड हाँ, अब मेनी ऑफ यू लाइक माई 90s वीडियोज एंड बहुत जनों ने नहीं देखा है, बट आई नो ये सब वीडियोज इतने ज्यादा नहीं चलते. बट एज ए क्रिएटर ना मुझे हर वक्त वो सेम चीज करना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंड किसी ने बोला भी था इट्स वेरी इट्स अ फैक्ट. ओके, वी ऑल हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग तो कोई सुपर हीरो नहीं है कि आज मेरा मिशन है मुझे वहाँ पे जाना है, कल मुझे वहाँ पे जाना है, या मेरे घर में डेली डेली नया कुछ होता है. आई थिंक सो वी वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग डेली. और क्या होगा, आप लोग भी खाना बनाते हैं, मैं भी खाना बनाती हूँ, जो बनाती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ. एंड बाकी का घर का छोटा मोटा सफाई वो अभी मुझे लगता है ये भी इंटरेस्ट सब में कमती हो गया बिकॉज ऑलमोस्ट सभी लोग घर में रह रहे हैं. तो दैट इज वन थिंग जो सब कॉमन था. बट हाँ, पहले बहुत कुछ होता था. स्पेशली मेरे चैनल में ना सबसे बड़ा कंटेंट था गेस्ट रेसिपीज, आप सबको बहुत पसंद था. एंड आई थिंक सो इन दिस लास्ट 3 years यू विल सी सो मेनी कितने जन मेरे घर आए हैं. तो अच्छा लगता है ना, कोई आए नहीं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो दैट इज टोटली गॉन दिस ईयर. फिर हम लोग कितना जगह घूमने जाते थे वो भी इस साल पूरा खत्म. तो दो बड़ा बड़ा कंटेंट मेरे चैनल में पूरा क्रॉस आउट हो गया है बिकॉज वी हैव डिसाइडेड हम लोग किसी को भी घर में नहीं बुलाएंगे. या मे बी अगर वेन राय का स्कूल ओपन हो जाएगा हर फ्रेंड्स एंड ऑल, दैट तो वी हैव टू डू. बट अदर देन दैट यू नो मैं किसी गेस्ट को ऐसा नहीं बुलाऊंगी, वी हैव डिसाइडेड. क्योंकि अभी ना अपने ऊपर है आपको किस तरीके से सेफ रहना है. अभी कोई भी आके नहीं बोल सकता कि अरे तुम लोग बाहर नहीं जा रहे हो, तुम लोग बाहर जाओ सेफ है, ये कोई भी नहीं बोलेगा. एंड कोई ऐसा भी नहीं बोलेगा कि अरे तुम लोग घर के अंदर ही रहो सबसे ज्यादा सेफ, ऐसा भी कुछ नहीं है. यू नो टोटली अपॉन योर ओन. एंड आई थिंक सो दो तीन रोज हम लोग निकले ना बाहर पे, दिस सैटरडे ऑल्सो वी वेंट टू द सेम बीच ओनली. तो बाहर पे जाने का ना मुझे कोई मजा नहीं आता. एक तो निकल के ही वेयर दैट मास्क, एंड मास्क में आप देखेंगे यू अब ज्यादा टाइम वॉक नहीं कर सकेंगे, एक अनइजीनेस लगता है ना मास्क में. तो वो एक पहले होता था ना अच्छे अच्छे तरीके से लिपस्टिक विपस्टिक लगाओ, यू नो ड्रेस अप नाइसली एंड बाहर निकलो. तो हम लेडीज को कोई ना देखे हम लोग खुद को ही एक अलग एक मजा आता था, अभी वो है ही नहीं. निकलते ना निकलते गाड़ी से निकलने से पहले मास्क पहनो वो पहनो, तो वो मजा ही नहीं रहा. Especially I feel that. तो सीम की सब्जी बनाने के लिए ना मैं एक पेस्ट बनाऊंगी. दिस पेस्ट इज सॉरी विथ अराउंड 1 tablespoon ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड 1/2 tablespoon ऑफ पॉपी सीड्स मैंने लिया है, यानी हाफ द अमाउंट ऑफ मस्टर्ड सीड्स. एंड उसके बाद मैंने लिया है ग्रीन चिलीज. पर मस्टर्ड क्या होता है ना, मस्टर्ड क्योंकि हम लोग मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएंगे तो मिक्सी अगर ज़्यादा टाइम चलेगा ना तो बहुत कड़वा हो जाता है. सो कड़वा ना हो इसके लिए ना एड सॉल्ट.
लाइक पेस्ट जब हम लोग मिक्सी में देंगे ना, ये सब देने के बाद एड लिटिल बिट सॉल्ट ऑल्सो. एंड नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि अगर आपको मस्टर्ड सीड्स पसंद नहीं है, तो अगर आपको पसंद नहीं है मस्टर्ड सीड्स, सो इंस्टेड ऑफ दैट आप, एंड सपोज अगर आपको पॉपी सीड्स यानी खसखस भी पसंद नहीं है, तो आप चार मगज, वाटरमेलन सीड्स, नहीं तो पम्पकिन सीड्स, नहीं तो थोड़ा कैशूनट का भी पेस्ट बना सकते हैं. तो सेम चरचरी बनाने के लिए ऑयल जब गर्म था, फर्स्ट मैंने उसमें थोड़ा चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है, अराउंड 2 चॉप्ड गार्लिक. फिर मैंने सीम को ऐड कर लिया है. तो सीम को हम लोग थोड़ा भूनेंगे एंड फिर थोड़ा सॉल्ट देके ना कवर करके रख देंगे अनटिल सीम इज 50% कुक. एंड आज बन लाइक मैं एक साथ बहुत सारा खाना बना रही हूँ, तो ऑलरेडी दाल हो चुका है एंड अभी मैं बनाऊंगी पनीर. तो चलिए देखते हैं सीम को. या सीम इज ऑलमोस्ट कुक, 50% तक कुक हो गया है. तो अभी हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया था ना विथ मस्टर्ड्स एंड पॉपी सीड्स, वो मैंने ऐड कर दिया है. फिर सम टर्मरिक पाउडर. फिर अभी सारे मसाले को आपको अच्छी तरीके से भूनना है एंड फिर हम लोग कवर करके रख देंगे जब तक ना ये अच्छी तरीके से पक जाए. तो ये होते होते चलिए पनीर बना लेते. तो फर्स्ट ऑयल में मैंने अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ जीरा सीड्स ऐड किया है एंड फिर मैंने ऐड कर दिया है चॉप्ड अनियंस एंड टमाटर. अराउंड मीडियम साइज अनियन एंड टमाटर है. एंड फिर मैंने ऐड कर दिया है अराउंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो इसको होने देते मैंने फ्लेम को लो कर दिया है एंड मुझे लगता है कि सीम इज ऑलमोस्ट डन. देखते हैं, हाँ या सीम सॉफ्ट हो चुका है. तो एट द एंड में इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 teaspoon ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड फिर मैं इसमें ऐड करूंगी सम कोरिएंडर लीव्स एंड बस मैं गैस ऑफ करके कवर करके रख दूंगी. तो पनीर की सब्जी में मुझे लगा लेट मी ऐड सम वेजीज. तो मैंने थोड़ा वेजीज भी ऐड किया था. तो वेजीज जब थोड़े फ्राई हो जाए फिर मैंने ऐड कर दिया है पनीर. एंड अभी मैं ऐड कर रही हूँ मैगी मैजिक मसाला, जो आप सबने बोला बहुत अच्छा है एंड रियली द कलर चेंज एंड देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो एट द एंड मैं इसमें थोड़ा कसूरी मेथी दे दूंगी एंड बस फिर मैं कवर करके रख दूंगी. तो चलिए अभी मैं मैगी मसाला मैंने इसमें ऐड किया है. मैगी मसाला मतलब आप लोग फिर सोचेंगे कि मैगी पैकेट में वो मसाला आता है, नहीं वो मैगी मैजिक मसाला, विच आई थिंक सो अराउंड 90% ऑफ यू हैव रिकमेंडेड मी कि पायल बहुत टेस्टी होता है. तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ. इट्स गुड, चटपटा लग रहा है खाने में. बहुतों ने बोला है कि इसमें सोडियम बहुत ज्यादा रहता है, तो मैंने सॉल्ट बिल्कुल भी बहुत कम सॉल्ट ऐड किया था. एंड आई डिडंट ऐड एनी, गैस ऑफ कर देती हूँ. रेड चिली पाउडर. फिर मुझे लगा ना मैं गरम मसाला भी ऐड नहीं करूंगी. यू नो मैगी मसाला का जो एक फ्लेवर है, लेट इट गेट इनहेंस. ओनली एट द एंड मैंने थोड़ा कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी ऐड किया है. बट इट्स गुड. थैंक यू एवरीवन. तो मुझे लगा कि चलो समर टाइम है एंड थोड़ा हाफ मैंगो था एंड ये मैंगो इतना खट्टा है ना कि आप ऐसे खा ही नहीं सकते हैं. तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा मैंगो चटनी बना लेते हैं. एंड फिर वहां पे दाल भी हो गया, तो फाइनल स्टेज मुझे तड़का देना है. एंड सॉरी आज मैंने मैंगो रेसिपी शेयर, लाइक मैंगो चटनी का रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया. का मैंगो चटनी ना मैंने बहुत सिंपल बनाया है. लिटिल बिट आई हैव एडेड मस्टर्ड सीड्स, फिर मैंने एक सूखी हुई लाल मिर्च दिया था एंड मैंगो को मैंने ऐसे लंबा लंबा पीसेस में कट किया है मैंगो. फिर थोड़ा फ्राई करके आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड थोड़ा लाइक लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी रहेगा इसमें. एंड मोस्ट ऑफ द डेज ना मुझे पता है दैट फ्रॉम 2 o'clock मेरे अभी का मीटिंग रहता है. इट सीम्स आज उनका होल डे मीटिंग है एंड ये हस्बैंड लोग ना कुछ नहीं बोलते हैं, लाइक लास्ट मोमेंट में आके वो लोग बोलेंगे. तो वो ऊपर है ना, इज लाइक अरे मुझे राइस दे दो. एंड जनरली 1:30 को हम लोग खाना खाते हैं, नहीं तो कभी कभी 1:45 हो जाता है. एंड मैंने राइस अभी बिठाया है. तो ही इज लाइक नहीं नहीं मेरा होल डे मीटिंग है, तुम मुझे ऐसा एक कटोरा में सब कुछ दे दो. तो अभी वो ही मुझे करना पड़ेगा. यू नो नया पोस्ट हस्बैंड का, परमानेंट असिस्टेंट.
तो ये रहा समर का लंच, ये सीम की सब्जी, फिर पनीर, ये चटनी एंड हाँ दाल। एंड मैं भाजी बनाने वाली थी पर अभी टाइम नहीं है। आई थिंक सो दिस इज़ द परफेक्ट समर लंच। लाइक मैं तो सिर्फ सीम से खाऊंगी, मुझे इतना पसंद है सीम। एंड यार लास्ट में आम का चटनी। मैं एक्चुअली करेला फ्राई बनाने वाली थी पर नाउ ही सो बिजी। एंड यू नो काम करके जब आप खाओगे ना, जो भी आप टेस्टी बनाओ वो खाने का कुछ भी स्वाद नहीं होता है, बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है, खाने पर नहीं है। मुझे लगता है खाना इज़ अ थिंग ना विच वी शुड एन्जॉय एंड हैव विथ। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे जाती हूँ एंड जाके उनको खाना दे के आती हूँ अभी। मैं कुछ एक कटोरा ले लेती हूँ। तो सेम खा के मुझे इतना क्या बोलूं, दिल खुश हो गया। मैं एक ही बात बोलूंगी पर हाँ, सेम में एक प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो गया ना वहाँ। एंड राय को एक्चुअली पनीर बहुत पसंद आया। इट्स टेस्टी ना वहाँ, रियली इट्स टेस्टी, राय ने बोल दिया है। एंड मामा एवरीबडी से दी यू थैंक, नॉट थैंक यू, एवरीबडी टोल्ड दैट यू एक्टेड वेरी वेल। थैंक यू फॉर ओ गॉड, मुझे सीम खाकर कितने दिनों के बाद, दिनों नहीं यार इंसल्ट हो जाएगा, दिनों कितने महीनों के बाद। तो खाना तो खा लिया, अभी है रिजल्ट। रिजल्ट है किचन का ये हालत जिसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा टाइम मैं अभी किचन से बाहर चली जाऊँ, मैं थोड़ा बाद में करूँगी। मैं टायर्ड हो गई यार मॉर्निंग से। एंड मॉर्निंग ना मैं बहुत जल्दी उठ गई, लाइक मैंने अलार्म लगाया था 7 o'clock का, पर वो टेंशन रहता है ना कि उठना है उठना है, उसके लाइक टेंशन में मैं थोड़ा जल्दी क्या बहुत जल्दी मैं उठ गई। आई थिंक सो मैं 5:30 को लाइक मैं उठ गई थी, वो अलार्म बजेगा नहीं नहीं आज तो मुझे वॉक करना है। तो लाइक आई एम फीलिंग लिटिल बिट स्लीपी, नहीं थोड़ा टायर्ड लग रहा है बिकॉज ऑफ दैट। एंड बहुत फनी हुआ, राय ना मुझसे पूछ रही थी मम्मी मुझे एक हेल्प करके दो ना, तो मैंने बोला क्या, तो राय वॉज लाइक मम्मी मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, कौन सा डेजर्ट में चूज करूँ। तो मैंने बोल दिया आइसक्रीम, पर वो डेजर्ट नहीं था, वो था डेजर्ट। तो फिर राय हंस रही है, नहीं बोले नहीं मम्मी ये डेजर्ट नहीं है। मैंने बोला मुझे क्या पता, ये दोनों वर्ड्स ही सेम है, डेजर्ट कैसा पता चलेगा। मुझे लगा चलो कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है डेजर्ट को लेके। मैं तो पहले बोलने वाली थी राय को आइसक्रीम छोड़ो राय, तुम ना ऐसा कुछ इंडियन डेजर्ट बोलो, रसगुल्ला क्या करें यार, दोनों नाम ऐसा सेम होता है तो कंफ्यूजन लगता है। एंड ओह गॉड, मैं थोड़ा देर बैठ जाती हूँ यार। सोफा सेट पे सिर्फ मैं ही हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। एंड ये लॉकडाउन या क्वारंटाइन जो भी बोले, इसमें एक ही चीज हुआ है कि मेरा सोफा सेट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। एंड एक्चुअली वी वर प्लानिंग ऑल्सो टू चेंज दिस सोफ़ा सेट। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि ये जो सोफ़ा है ना, ये मैं ऊपर नहीं तो नीचे लेके चली जाऊँगी। एंड यहाँ में मुझे एक नया सोफ़ा लाना था, वो वंस अपॉन अ टाइम, पर अभी तो पता नहीं कब ये सब होगा। तो मुझे लगा कि और यू नो लेथर्जी करके क्या होगा, जो काम पेंडिंग है बोलते हैं ना, उसको अगर जल्दी खत्म किया जाए तो दैट इज ओनली गुड। एंड एक्चुअली इतने सारे बर्तन भी नहीं थे तो बहुत ही इजी हो गया। एंड अभी जो बाकी का जो डेली का काम है रहता है, दैट इज किचन साफ करना। एंड अभी टाइम हो गया है टू मेक टी फॉर माई हबी, तो मैं वो ही बनाऊंगी। तो चलो किचन का काम खत्म, मतलब घर का बहुत सारा, लाइक किचन इज द मेन पार्ट ऑफ द हाउस राइट। किचन का काम खत्म मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का काम ही खत्म। एंड मैं पी रही हूँ हिबास्कस टी,
ये सब चाय तो पहले 90s एंड ऑल में कुछ भी नहीं था, पर फिर भी लोग अच्छे थे। अभी ये सब चाय का कितना सब कुछ मीनिंग है, ये पियो तो वो नहीं होगा, वो पियो तो वो नहीं होगा। समवेयर आई फील कि हाँ 2000 से मार्केटिंग बहुत अच्छा होने लगा था, एंड फॉर दैट नाउ वी हैव सो मैनी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। एंड आप लोग सब तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मेरा दिन ऐसा ही चला जाता है, ऊपर नीचे करते करते। एंड यहाँ पे है राय, जो व्हाट आर यू डूइंग माँ, वो जो कुछ ड्रॉ कर रही है। मामा छोड़े जाओ, आई हैव टी, लेके जाओ, दैट्स फाइन। ओह माय गॉड, ये अपना सबसे ज्यादा गर्म है, इट इज सो हॉट माँ, हाउ आर यू डूइंग इट। फैन चलिए दे। ओ आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे ना, मामा गिव मी देन, एक टा पेन दो ना माँ। ओके, सो दिस आर लाइक परमानेंट मार्कर्स ना? नो, यू कैन टेक देम आउट विद अल्कोहल। ओके, यू कैन टेक देम आउट विदाउट अल्कोहल। ओके, विद अल्कोहल ना, अल्कोहल हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज इट वॉन्ट कम ना। नहीं तो आप ऐसा स्क्रैच कर सकते हैं तो भी निकल के आ जाएगा, जिसमें मैं माहिर हूँ। मुझे बहुत कुछ भी होता है ना, मुझे स्क्रैच करना बहुत पसंद है, इसलिए कभी मेरे नाखून भी नहीं होते, क्योंकि आधा नाखून तो मैं खुद ही चबा जाती हूँ। तो सर क्या पोस्का की माँ, पोस्का पोस्को मार्कर्स, तो राय यहाँ पे बैठ बैठ के कर रही है। सो वहाँ पे राय कर रही है पेंटिंग। एंड हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, आई होप सो आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है। एंड हाँ, पसंद आया है एक लाइक, एंड मैं ऐसी आज बहुत मैं थकी हुई लग रही हूँ ना, तो पसंद आया है तो एक लाइक। एंड हाँ, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे, इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो चलो, बाय बाय।